अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 बीएचके चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे करने के लिए चाहिए, बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 94 का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है, अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको फाइव स्टार रेजिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा, पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं कुछ चीजों बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा, बेस्ट पार्ट है। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करिए। सर, आज पत्रकार परिषद लिया आपने, क्या वजह है उस पत्रकार परिषद की? आज नमस्कार, आज पत्रकार परिषद लेने का यही विषय था कि आज जो हमारे कलवा मुमरा के विधायक है, उस विधायक ने इस 15 साल में सिर्फ बदले की राजनीति किया है। अगर उसके साथ में है तो उसका कभी कोई भला नहीं किया, और उसके अगर साथ में है नहीं है तो उसको एन के एन प्रकार से उसको परेशान करने का, उसके ऊपर झूठे केस दाखिल करने का। और आप देखेंगे कि मुमरा में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनके ऊपर तड़ीपार किया गया है उनको, तो ऐसे ही एक उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ था, 354 का जितेंद्र आवाड़ के ऊपर गुना दाखिल हुआ था, एक महिला का विनय भंग करने का गुना दाखिल हुआ था। वो गुना दाखिल हुआ था जब उस वक्त मुमरा बाईपास के ऊपर जो वाई जंक्शन का ब्रिज है उस ब्रिज के ऊपर वो गुना दाखिल हुआ था, और वो गुना दाखिल होने के बाद उसको वो गुने को ख़त्म करने के लिए उन्होंने रिदा मैडम के माध्यम से गुना दाखिल होता है, रिदा रशीद मैडम के, तो उस गुने को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे हथकंडे थे जो अपनाए थे, लेकिन वो रिदा मैडम पीछे नहीं हटी। फिर उन्होंने अपना षड्यंत्र रचना चालू किया, उन्होंने जैसे हमारे शबाना मैडम है, शबाना बहन है, उनके माध्यम से उन्होंने उनको ये किया, पैसा देके उनको लालच दिया गया कि मैं तुम्हारा ये करूँ, पैसे दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आपने उनके माध्यम से अभी सुना होगा, तो उनके माध्यम से उन्होंने रिदा रशीद मैडम के ऊपर, उनकी लड़कियों के माध्यम से उन्होंने जितेंद्र आवाड़ और उनके जो उनकी कुछ लेडीज सहकारी थी उनके माध्यम से उन्होंने रिदा रशीद मैडम के ऊपर पोस्को का गुना दाखिल किया। तो पोस्को का गुना जब दाखिल किया तो रिदा रशीद मैडम हाईकोर्ट में गई उस गुने को लेकर, और उन्होंने उनको वहाँ पर बी समरी, वहाँ पर उनका कोई पुरावा न होने की वजह से उनको बाइज्जत बरी कर दिया हाईकोर्ट ने। फिर बाद में रिदा रशीद ने लोअर कोर्ट में अपील किया कि मेरे ऊपर जो गुना दाखिल हुआ था, ये गुना दाखिल हुआ था ये झूठा था, और इसमें मुझे न्याय चाहिए, ये झूठा गुना दाखिल करने वाले के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। तो वो जब न्यायालय ने उसका ऑर्डर किया कि ये गुने में उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, तो ये सब गुने में जो आरोपी थे, इससे पहले फिरियादी थे या जो भी उसके ये गुने में षड्यंत्र रचने वाले थे उनके ऊपर, उसमें मेन सूत्रधार था इस कट का जो जितेंद्र आवाड़, उनके ऊपर ये पोस्को का गुना दाखिल हुआ। आज पत्रकार परिषद लेने का मतलब ये था कि आज 3 बजे इस जितेंद्र आवाड़ ने जो अपना जामीन अर्जी के लिए जो एप्लीकेशन डाला है, उस बेल एप्लीकेशन के ऊपर आज सुनवाई थी, और वो सुनवाई 3 बजे होने वाली है, और उसकी वजह से ये पत्रकार परिषद आज ली है। और इसमें आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय, उनसे मैं गुहार लगाता हूँ, उनसे मैं एक विनंती करता हूँ कि इस जो ये जो झूठे गुने दाखिल करने वाला जितेंद्र आवाड़ है, इसको ये गुने में किसी भी तरह से जामीन नहीं होना चाहिए, यही मैं आपसे माननीय न्यायालय से अपील करता हूँ। धन्यवाद। मैं भी यहाँ आई हूँ। जान को खतरा है, हाँ। सबका कहना है, उनकी सेफ्टी का क्या होगा? हाँ। उनकी सेफ्टी के लिए हमने पुलिस को अर्जी देने का, अभी पुलिस को अर्जी देंगे हम लोग, और उनको पुलिस को कहेंगे कि इनके बारे में आप ध्यान रखिए, इनका जो भी है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। अभी यहाँ पर उनको जब लाने के लिए जा रहे थे
तो ऐसा मालूम पड़ा कि उनके घर के ऊपर कुछ लोग पत्थर मारने का काम कर रहे थे, ये जितेंद्र आवाड़ के समर्थक ही थे। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे जो मुमरा में परेशान लोग है, जो कभी आवाज़ सब दबी हुई आवाज़ है। मैं शबाना मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो दबी उनकी आवाज़ थी, इस आवाज़ को उन्होंने बाहर निकाला, वो सच्चाई को उजागर करने का हिम्मत उन्होंने दिखाया। उनसे उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस न्यायालय से फिर से एक बार अपील करता हूँ, फिर से एक बार गुहार लगाता हूँ कि ये जो गुनाह दाखिल हुआ है, ये गुने में जितेंद्र आवाड़ को किसी भी तरीके का जामीन या कोई भी उसको रिलीज नहीं मिलना मांगता है, रिलीफ नहीं मिलना मांगता है, यही मैं आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग भी आए और आज जिनकी बेल है तो उनको सजा मिलना चाहिए, उनकी बेल पास होना चाहिए। जब मैं सच्चाई पे थी सब ठीक था, फिर उसके बाद मुझे भी जेल हुई है। जब मुझे जेल हुई थी उस समय मेरी बेटी ने फोन किया था आवड़ सर को कि सर मेरी हम लोग नहीं करके भी मेरी मम्मी फंस गई है, तो बोले कुछ नहीं, दो दिन में वो छूट जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में फोन किया तो बोले नहीं नहीं, बोले तुम पर्सनल आके मिलो। छोटी बच्ची को क्यों बुला रहा था पर्सनल मिलने? हाँ, मैं तो मेरी सजा काट आई हूँ और आज हमको जान का धोखा है और ये सब चीजें झूठी है। कल भी सच था, आज भी सच है, हमेशा सच ही रहेगा ये कि मैडम ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनके ऊपर आया था केस। मैं यही चाहूंगी आप लोगों से कि उनकी बेल कैंसिल हो और न्याय मिले, मुझे भी न्याय मिले, मैडम को भी न्याय मिले, क्योंकि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, उनके लिए हम लोग कहीं लगते नहीं है। वो आवड़ जैसा इंसान है जो मुमरा में राज करता है, एक बच्चा भी रहेगा तो लगा रहे मैं आवड़ की कंपनी का हूँ। तो आवड़ यही सब करता है क्या? लोगों को परेशान करने का ही काम है आवड़ का। किसको सबसे पहली बात आती औरत, औरत तो उनकी भी थी, बेटी उनकी भी थी, केस करना था तो उन लोगों के ऊपर करवा देता। दूसरी औरतों को क्यों किया गया? एक मिनट, आपका पूरा मामला क्या था, कैसे आपको इस मामले में लाया गया, उसके बारे में? हुआ जैसा था कि वीडियो वगैरह बने थे, झूठ बोल के बने थे, सैंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब मैं नहीं थी घर, मैं घर गई, मैंने बहुत चिल्लाया पुकारा तो शाइस्ता कह रही है वो कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। फिर एक पेपर पे साइन लिया गया है हम लोगों, मेरे हम लोगों से, और वो पेपर कोर्ट में गया। फिर पुलिस आना चालू हुई मेरे घर, हमें वहां से ले गया, हमें एटलांटा अपार्टमेंट में 14 माले पे रखा गया, जो कि बंदी में रखा गया था, हमको हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाता, हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, मेरा फोन भी बंद रहता था कि लोकेशन पता चलेगी, ठीक है। वहां से हम लोगों ने कैसे कैसे करके लड़ झगड़ के बोला, कई लोगों ने हमें हाईकोर्ट लेके गया, और जैसे हाईकोर्ट ले गया तो एक आधार कार्ड दे दिया गया हाथ में कि जाओ ये पेपर पे साइन कर दो, तुम लोग आजाद हो जाओगे। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, तो हमने वहाँ साइन किए, हम लोग आजाद हुए। बाहर आए तो पता चला कि ये चीजें बहुत गलत हुई है किसी औरत के ऊपर, और उसमें पिस गया है हम जैसे गरीब लोग। इसमें जो भी आरोपी है सब बाहर है, शबाना, रौनक, शाइस्ता, आवाज़ सर, बहुत से लोग है इसमें, वो क्यों बाहर है? उनके भी केस होना चाहिए ना, कि जो सच्चाई पे चल रहा है उसी का ही केस होता है। मैं तो सच्चाई पे थी पहले भी हाई कोर्ट में, आज भी उसी पे चलूंगी, मैडम बेकसूर थे। और मैं इधर किसी के दबाव में आके नहीं बैठी हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरी जान का धोखा है। मैंने कितने पैसे दिए आपको? उनका रोल ये है कि उन्होंने करवाया था, रौनक के फोन से बात होती थी आवाड़ की, सीधा बोला जाता था माँ जी करो मैं पैसे देता हूँ, गरीब हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ ना, क्या करने के लिए आया, मेडिकल करवाओ लड़कियों का, मेडिकल मेडिकल किसकी? मैडम पे केस होना चाहिए, जब हम है ही नहीं वो चीज में तो, और मैडम नहीं है तो कैसे केस होना चाहिए? हम लोग एक महीना उनकी कैद काट के आए, उसमें भी हमने बहुत तकलीफ उठाए थे, धमकी से लेकर हर चीज मेरे साथ हुआ है, फॉलो हुआ है। आज भी मुझे लेट हुआ आने में, मैं बहुत डर के आई हूँ, क्यों के बोले शेर के हाथ में मुंह में हाथ डाल रही हूँ मैं, तो गरीब लोग का जीने का हक नहीं है क्या? औरतें इतनी बिकाऊ है क्या जो औरतों पे इल्जाम उठता है?
आज कोर्ट में सुनवाई है उनकी बेल को लेकर, न्यायालय से क्या मांग करना चाहोगे, क्या गुहार है आपकी? यही है कि आरोपी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी जगह बेल होनी चाहिए। मैं कल भी वही थी, सच का आगे भी सच के लिए खड़े रहूंगी कि मैडम ने ये सब काम नहीं किए थे, ना हमने किए थे। जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है यही है कि इनके कर्ता धर्ता ये अवर सर है शबाना शाइस्ता रौनक के। इनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए मिल जाएंगे आपको, हम लोग नहीं, हम लोग सच पे ही चलेंगे। इसीलिए मैंने दादा से मदद मांगा था, शिंदे सर से मांगा है कि हमारी जान को धोखा है अवार्ड से और शबाना रौनक शाइस्ता से, क्योंकि मैं कहीं नहीं लगती, मैं एक गरीब औरत हूँ। ठीक है।